हेलो, गुड मॉर्निंग। इट्स सच अ सनी ब्राइट डे और उतनी ज्यादा गर्मी नहीं है जितनी यूजुअली होती है। Now come here for Save Soil Karnataka practice. नमस्कारम। और यहाँ हम कर रहे हैं नुक्कड़ नाटक की प्रैक्टिस। आप बताओ हम क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली मैं यूथ का रोल प्ले कर रही हूँ और ये हमारी मिट्टी। लेट्स मेक इट हैपन। मैं मिट्टी हूँ, माँ हूँ तुम्हारी। अपना खून पसीना एक किया, लेकिन उसके बदले मिट्टी ने मुझे क्या दिया? एक मुट्ठी भर अनाज। और इस मुट्ठी भर अनाज को मैं क्या करूं? आप क्या मिट्टी के बारे में जागरूक है? थोड़ा सा उसने वही है स्टाइल, मतलब इसमें चीजें अकड़ अकड़ डीग्रेड हो जाएगी। अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो हमें खाना नहीं मिलेगा। यार ये न्यूज़ खत्म होने वाली न्यूज़ देखी तुमने? हाँ, ऐसी न्यूज़ तो आती रहती है। 2012 में दुनिया खत्म हो रही थी ना, ये सब छोड़, खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर यार। अरे बस बस बस, अरे भाई सोना सोना सोना, ये सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। ये सुनने में अच्छा लगता है, किसान से जाके पूछो वो अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहा है। 3 लाख किसानों ने पिछले 20 सालों में सुसाइड किया है, क्योंकि हमारी मिट्टी उपजाऊ नहीं है, क्योंकि वो खाना नहीं उगा पा रही है। अब मुझ में नहीं बची है ऐसी जान। ये नाटक नहीं, हमारी सच्चाई है। क्या आप जानते हैं उपजाऊ मिट्टी के लिए कम से कम 3 से 6% ऑर्गेनिक कंटेंट होना चाहिए, लेकिन भारत की 62% मिट्टी में सिर्फ 0.5% ऑर्गेनिक कंटेंट बचा है। और अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हमें खाना नहीं मिलेगा। ये मिट्टी रेत बनती जा रही है। अगर गंभीर समस्या का समाधान हम किसी प्रोटेस्ट या आक्रोश के विद्रोह में नहीं कर रहे हैं,
ये तो हम बस नाच गा के अपनी सरकार को बता रहे हैं, संदेश पहुंचा रहे हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए मिट्टी बचाएंगे। सब कुछ।